आखिरी मौका, इमरान खान की इक्तदार में वापसी। इरशाद भट्टी ने हैरान कुन खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो ये उनका आखिरी चांस होगा, अगर इस बार फेल हो गए तो उनके किस्से किताबों में मिलेंगे और मरियम नवाज का ये पहला और आखिरी मौका है और अगर वो फेल हो गयी तो उधर से ही उनकी घर की तरफ वापसी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस बार अगर पंजाब में फेल हो गयी तो पंजाब बिला गैर शिरकत इमरान खान के पास आ जाएगा। इरशाद भट्टी ने कहा कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का घर और गढ़ था और इमरान खान ने दूसरी मर्तबा उनको पंजाब में हराया है, पहली मर्तबा ज़िमनी इंतखाबात में और दूसरी मर्तबा अब। और हालत ये है कि बड़े बड़े तज़िया निगारों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 148 सीटों वाले पंजाब में से सिर्फ 30 सीटें इस इलेक्शन में जीत पाई है और नवाज शरीफ लाहौर में 80,000 वोटों की लीड से हारे हैं। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि मरियम नवाज को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे पंजाब में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज है, दूसरा गवर्नेंस परफॉर्मेंस का चैलेंज होगा और मरियम नवाज के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बहुत बड़ा चैलेंज होगी।